आज हम इस वीडियो में टाइम फॉर्मेट, परसेंटेज फॉर्मेट और फ्रैक्शन फॉर्मेट इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइम फॉर्मेट इसको करेंगे। तो टाइम फॉर्मेट को करने के लिए यहाँ पे हम टाइम एंटर करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने टाइम एंटर किया, ये टाइम एंटर किया। टाइम एंटर करने के बाद इसको ऑटोफिल करेंगे। ये नीचे तक यहाँ तक इसको ऑटोफिल किया। ऑटोफिल करने के बाद ये देखो अपने आप ही यहाँ पे टाइम आ गया। इसके बाद क्या करना है, हमने ये जो फॉर्मेट टाइम फॉर्मेट है इसको चेंज करना है, किसी और फॉर्मेट में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नंबर फॉर्मेट में जाएंगे। इसके बाद मोर नंबर फॉर्मेट यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे टाइम पे जाएंगे। टाइम पे जाने के बाद यहाँ पे बहुत से ऑप्शन आ जाएंगे। ये देखो जितने भी हैं ये सारे ऑप्शन यहाँ पे पड़े हुए हैं। अब कौन सा ये टाइम फॉर्मेट चाहिए, तो जो भी हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे वही टाइम फॉर्मेट वहाँ पे बन के आ जाएगा। ये देखो सपोज़ करो हमें ये टाइम फॉर्मेट चाहिए, तो इसके ऊपर क्लिक किया और ओके पे क्लिक किया। ये देखो सभी में ये टाइम फॉर्मेट बन के आ जाएगा। ये जो टाइम फॉर्मेट है ये चेंज हो गया। अगर इसको और फॉर्मेट में हम चेंज करना चाहते हैं तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे फिर से। इसके बाद नंबर फॉर्मेट यहाँ पे जाएंगे, मोर नंबर फॉर्मेट, और मोर नंबर फॉर्मेट के बाद कौन सा फॉर्मेट चाहिए, जैसे ये वाला फॉर्मेट चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक किया और ओके पे क्लिक किया। तो ये देखो ये टाइम फॉर्मेट यहाँ पे बन के आ जाएगा। तो इस तरह से जो भी अगर टाइम फॉर्मेट हमें चाहिए उस टाइम फॉर्मेट को हम सेलेक्ट करेंगे, वही टाइम फॉर्मेट जो है यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये टाइम फॉर्मेट हो गया कि किस तरह से टाइम फॉर्मेट को चेंज किया जाता है। इसके बाद अगला जो है वो है परसेंटेज, परसेंटेज फॉर्मेट। इसमें लिखना जैसे यहाँ पे कुछ वैल्यू हम एंटर करते हैं। सपोज करो यहाँ पे हमने कुछ वैल्यू एंटर की, ये वैल्यू एंटर की, इसको ऑटोफिल किया, यहाँ पे इसको ड्रैग किया। ये देखो ऑटोफिल हो गया। ऑटोफिल होने के बाद यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे ये 50 लिखा हुआ है, 50 परसेंटेज ये सिंबल इसके पीछे लगाना है। तो ये सिंबल इसके पीछे कैसे लगाएंगे, ऐसे ये सिंबल यहाँ पे नहीं लगेगा। जैसे सपोज करो यहाँ पे 50 को हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद अगर ये देखो परसेंटेज का यहाँ पे सिंबल है, अगर यहाँ पे हम परसेंटेज के सिंबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये देखो यहाँ पे क्लिक किया, ये वैल्यू इसमें चेंज होगी। तो हम क्या चाहते हैं, ये वैल्यू ये ना बने, ये वैल्यू 50 और इसके बाद ये परसेंटेज का सिंबल आ जाए, यही चाहिए हमें। तो ये कैसे करेंगे, हम इसको अंडू किया। अंडू करने के बाद ये देखो अब क्या है, इसको अगर 50 परसेंटेज सिंबल सभी में लगाना है, ये हमने जैसे 50, 60, 70 ये सभी में ये लगाना है। तो इसको करने के लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे, सारे ये सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे। नंबर फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कस्टम की यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखो यहाँ पे बहुत से ऑप्शन आ जाएंगे, ये बहुत से ऑप्शन है। तो हम क्या करेंगे, ये जो जीरो वाला है यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखो यहाँ पे जनरल है, यहाँ पे जीरो ये क्लिक किया हमने, जीरो आ गया यहाँ पे। जीरो आने के बाद हम क्या लगाएंगे, बैक स्लैश। ये देखो बैक स्लैश लिखा। बैक स्लैश लिखने के बाद हम परसेंटेज, ये परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे। ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। ये देखो यहाँ पे वैल्यू ये चेंज नहीं हुई और ये सारे इसमें परसेंटेज लग के आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे वैल्यू में परसेंटेज सिंबल लगा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस लगाने जाते हैं 50 के बाद, तो ये कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए फिर से हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नंबर फॉर्मेट यहाँ पे जाएंगे, मोर नंबर फॉर्मेट यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखो यहाँ पे ये फार्मूला लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जीरो के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे और इसके बाद 20 लगाएंगे। ये देखो 1, 2 ये हमने यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस यहाँ पे लगा दिए।
0.00 backslash percentage, ये हमने यहाँ पे फार्मूला लिखा। फार्मूला ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। ये देखो ओके पे क्लिक किया तो ये देखो टू डेसिमल प्लेस यहाँ पे लग के आ जाएंगे। ये देखो यहाँ पे टू डेसिमल प्लेस यहाँ पे बन के आ गए हैं। तो इस तरह से अगर हमने वैल्यूज़ के साथ डेसिमल प्लेस यहाँ पे लगाने हैं, कितने लगाने हैं वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। बढ़ाने जाते हैं डेसिमल प्लेस तो हम इनको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे इंक्रीज डेसिमल यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखो यहाँ पे बढ़ जाएगा ये। इसके बाद और बढ़ाना है, चार चाहिए डेसिमल प्लेस, यहाँ पे चार आ जाएंगे। अगर कम करने हैं, देखो तीन चाहिए तो ये तीन में आ जाएगा, अगर दो चाहिए तो ये टू डेसिमल प्लेस यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे डेसिमल प्लेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे परसेंटेज फॉर्मेट हो गया। इसके बाद है फ्रैक्शन फॉर्मेट। तो फ्रैक्शन फॉर्मेट को करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमने यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ये वैल्यूज़ जो हैं इनको हमने किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में। अगर हम इसको 0.5 इसको फ्रैक्शन में चेंज करना चाहते हैं तो इसका फ्रैक्शन में चेंज होके आएगा 1/2। यहाँ पे ये देखो ये फ्रैक्शन में चेंज होके आएगा। तो हम ये कैसे लाएंगे, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इतनी भी हमने वैल्यूज़ लिखी हुई हैं ये, इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट यहाँ पे जाएंगे और इसके बाद यहाँ पे फ्रैक्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। फ्रैक्शन पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आ जाएंगे, यहाँ पे हमने क्या करना है, अप टू 3 digit यहाँ पे हमने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद ये देखो ये फ्रैक्शन में चेंज होके आ गया है। ये देखो ये जो है ये सारा फ्रैक्शन में चेंज हो गया है। तो इस हिसाब से हम डेसिमल वैल्यूज़ को इसमें फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। अगर हम इस फ्रैक्शन वैल्यूज़ को डेसिमल में चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे और जर्नल पे क्लिक करेंगे। ये देखो जर्नल पे क्लिक करने के बाद ये जो है ये सभी वैल्यू डेसिमल प्लेस में ये बन के आ जाएंगी। तो इस तरह से हम डेसिमल वैल्यूज़ को यहाँ पे फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन वैल्यू को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने टाइम फॉर्मेट, परसेंटेज फॉर्मेट और फ्रैक्शन फॉर्मेट के बारे में जाना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।